जब मैं आपके सामने गुजरात बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? केम छो। उन्हें ऐसे लोगों का पैसा छीनना आता है। गुजरात? हाँ। बहुत कुछ है गुजरात का। ढोकला। ढोकला टेस्टी खाना, टेस्टी खाना, सारे कलर्स, मीठा खाना। क्या आपको पता है कि गुजरात की राजधानी क्या है? पोरबंदर। पोरबंदर? बताया। ओह माय गॉड, लाइक द कैपिटल ऑफ गुजरात। नहीं पता, सोचो एक बारी क्या हो सकता है। पोरबंदर। गूगल कर रही हूँ। क्या वहाँ क्या आपको कोई सेलिब्रिटीज पता है, कोई लोग पता है जो गुजरात से आए हैं? नहीं नहीं। नो आइडिया। नो रियली आई डोंट। सोचो। नहीं मुझे ऐसा तो। आपको गुजराती लड़के कैसे लगते हैं? गुजराती लड़के? हाँ। एक्चुअली मेरे कभी ऐसे मेरे को मिला नहीं है कोई गुजराती, कभी इंटरेक्शन नहीं हुई है। अगर आपको जैसे कभी किसी गुजराती लड़के को डेट करने को मिला तो आप डेट करोगे? नहीं। ओके। अगर पैसा है उसके पास, नेचर अच्छा है, पक्का। क्या ऐसा सच है कि गुजराती सोर्स से लाइक रिच होते हैं और लाइक बिजनेस में ज्यादा होते हैं, लाइक बिजनेस माइंडेड होते हैं? बिजनेस करना जानता है, लोगों का फायदा उठाता है। पैसा इतना है कहाँ लगाएंगे? हाँ। दारू में लगाएंगे? होते हैं बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कंजूस भी होते हैं। क्या ऐसा है कि गुजराती लोग थोड़े कंजूस होते हैं? सुना है मैंने, सुना है मैंने। वो हम लोगों पंजाबियों की तरह ना खाते पीते नहीं है ज्यादा। अच्छा। तो उनकी आई थिंक नीड ही कम होती है, तो फिर वो पैसे बहुत बचा लेते हैं। वो पढ़ाई करे ना करे बिजनेस तो पक्का करेंगे, चाहे झूठी डिग्री ले आए। MBA की डिग्री वहाँ पे ऐसे बिकती है। तो वो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, साल में 2 फॉरेन ट्रिप तो पक्का है, पक्का। बाय द वे हम सिंधी हैं, हम भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिटी चायल में, और आज हम लड़कियों से पूछने जा रहे हैं गुजरात के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि लड़कियों को क्या क्या पता है गुजरात के बारे में और वो क्या क्या सोचती है गुजरात के लोगों के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखना मत भूलना। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मैं आपके सामने गुजरात बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? साड़ीज। साड़ीज कपड़े एंड साड़ीज। गुजराती कपड़े। गरबा। गरबा या साबरमती। अहमदाबाद। जेठालाल ऑफ कोर्स। अगर आपको जैसे कभी किसी बहुत गुड लुकिंग से गुजराती लड़के को डेट करने को मिला तो आप डेट करोगे? मतलब दोनों चीजें चाहिए, अच्छा भी है और पैसे वाला भी। गुजराती अगर दिल्ली में रहता होगा तो कर लूंगी। अरे इससे दोनों आंसर एक साथ दे दे, सीधे गुजराती को मैं दिल्ली लेकर आ जाऊंगी, उसका सीधा शादी है। गुजराती भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली तो जैसे दिल्ली का तो हमें पता है ना कि हाँ यार थोड़े होते हैं। थैंक्स फॉर प्रेफर दिल्ली नॉट गुजरात। क्या ऐसा है कि गुजराती लोग थोड़े कंजूस होते हैं? मेरे को नहीं पता। आई थिंक 50-50 है, हो भी सकते हैं, बिकॉज उनको सिखाया ही जाते हैं कि ट्रेडिशन थोड़ा सा अपने आप को ना दिमाग लगा के चलो। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उन लोगों के फेस्टिवल्स देख के ही लगता नहीं है कि अरे इतना मतलब रखते हैं। तो गुजराती इतने रिच कैसे होते हैं? मे बी दे नो हाउ टू यू नो स्टील पीपल्स मनी। हिंदी। हाँ, तो उन्हें ऐसे लोगों का पैसा छीनना आता है। सो या वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम गुजरात वो बहुत ज्यादा है। आई नो कि कल्चर उनका बहुत रिच है, सो आई थिंक वहाँ पे उनका बिजनेस स्टार्ट होता है एंड इट्स वेरी वेल नोन फॉर यू नो द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। हिंदी कपड़े कपड़े। हमें ये सिखाया जाता है कि बुक स्मार्ट बनो, पढ़ाई करो एंड देन अच्छा स्कोर करो। बट वो रियल लाइफ में जैसे हमें वो करना है वो सारी चीजें उन्हें ज्यादा सिखाई जाती है। मतलब हमें थोड़ा सा ना कि बुक्स उन्हें की लाइफ रियलिटी। क्या ऐसा सच है कि गुजराती सोर्स से लाइक रिच होते हैं और लाइक बिजनेस में ज्यादा होते हैं, लाइक बिजनेस माइंडेड होते हैं? बिजनेस तो ऑफ कोर्स बहुत ऊपर होता है उन लोगों के लिए, बचपन से ऐसे सिखाया जाता है। होते हैं बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कंजूस भी होते हैं। हाँ भाई, कि मैं इसलिए थोड़े कंजूस भी होते हैं थोड़ा पैसों को लेकर। Exactly. हाँ ऐसे बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो गुजराती लोग बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होता है। गुजरात इज द मेन स्टेट ऑफ बिजनेस, वहाँ तो सभी बिजनेस होता है ना। क्या ऐसा होता है कि बिजनेस उनके ब्लड में ही होता है, कि लाइक उनके खून में ऐसे बिजनेस दौड़ता है? आई थिंक सिखाया जाता है। बिजनेस फैमिली में होता है, पूरा फैमिली में है, तो लाइक वो बचपन से सीखते हैं। हाँ वो तो है। अगर अगर कोई प्रोफेशनली सर्विसमैन भी होगा तो भी वो बिजनेस के तौर पे ही सोचेगा। तो क्या ऐसा भी है कि इंडिया की इकोनॉमी एक हद तक उन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, फॉर लाइक उनका पूरा मनी रोटेशन और ये सब है? दैट्स ट्रू इन अ सेंस। हां बिल्कुल, टूरिज्म स्पॉट बहुत बड़ा है गुजरात से। हाँ, इकोनॉमी टूरिज्म से बहुत चलती है हमारी। गुजरात इज लाइक मोर लाइक बिजनेस वाला स्टेट, की बहुत फैमिलीज बिजनेस में है, बट आई स्ट्रांगली फील की हमारी इकोनॉमी
मेनली सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है बिकॉज दैट्स द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी. वैसे गुजरात ड्राई स्टेट है बट उसके हिसाब से उसकी अल्कोहल कंजम्पशन कैसी है? बहुत दारू पीते हैं. वे टू मच, ज्यादा ही होगा दिल्ली से भाई तो ज्यादा. इट्स इंडिया, यू विल फाइंड अल्कोहल. हिंदी हिंदी हिंदी. अल्कोहलिक्स मिलेंगे आपको हर जगह, आप कहीं भी चले जाओ. गुजरात में सबसे ज्यादा दारू की कंजम्पशन होती है. सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे वो दारू की बॉटल 60 रुपीज की है, चाहे वो 100 रुपए की बेच दे, 100 रुपए की बेचेंगे तो भी वहाँ के लोग सबसे ज्यादा दारू पीते हैं. दो दारू बहुत पी जाते हैं. पैसा इतना है कहाँ लगाएंगे, दारू में लगाएंगे. बहुत ज्यादा सुना है मैंने. हाँ तो वो क्यों, मतलब कि क्या सीन है यार? अल्कोहल तो उनको जरूरत है. ड्राई स्टेट है ना तो वहाँ पे थोड़ा सूखा ज्यादा रहता है तो इसलिए जहाँ पे कोई चीज बैन होती है ना तो फिर वहाँ पे वो ज्यादा मन करता है ना वो चीज करने का. ह्यूमन बिहेवियर है. Yeah, that's an human behavior. Yeah. जब ज्यादा जहाँ सूखा होता है वहाँ पे पानी की ज्यादा जरूरत होती है ना. ब्लैक में तो मिलती होगी क्या वहाँ के? आपको कोई सेलिब्रिटीज पता है, कोई लोग पता है जो गुजरात से आए हैं? I really don't know, I guess. महात्मा गांधी यार. महात्मा गांधी और मोदी जी मिस्टर मोदी. मोदी जी, गांधी जी और हमारे एक दो लोग हैं जो काफी फेमस हैं यार, जैसे अंबानी, धीरूभाई अंबानी. क्या आपको पता है कि गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद. अहमदाबाद आई थिंक इट शुड बी जूनागढ़. अहमदाबाद. अहमदाबाद नहीं, आई थिंक इट्स गांधीनगर. 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 हाँ ओके. अहमदाबाद सबसे लार्जेस्ट है. ओके. गांधीनगर. गुजरात किन किन चीजों के लिए फेमस है? स्वीट्स के लिए आश्रम, साबरमती आश्रम. गांधी जी. गांधी जी के लिए फेमस है. गांधी जी उनका खाना वाना कुछ भी. ढोकला, फाफड़ा, जेठालाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी. और क्या क्या चीजें हैं खाने की जो वहाँ पे फेमस है, आपको कोई आइडिया है? एक दो नाम बता दो यार. उनका मीठा होता है बेसिकली खाना, दाल उनका मीठा होता है. अच्छा. मेरे को एक्चुअली इतना कुछ गुजराती फूड के बारे में पता नहीं है. अच्छा, पर जैसे ढोकला, खांडवा और ये सब स्नैक्स जो है, खाकड़ा, नाम वाम बताओ थोड़े. खाकड़ा, फेफड़ा, जलेबी, ढोकला, खांडवी. ओके. क्या आपने कभी गुजरात के कभी जैसे कपड़े देखे हैं तो उनका लाइक ट्रेडिशनल कपड़े क्या होते हैं, वो क्या पहनते हैं? मिरर वर्क का उनका पूरा एक लहंगा टाइप्स होता है जिसको हम आई गेस चनिया चोली कहते हैं. सो इट्स रियली फेमस फॉर दैट. मुझे लगता है कि वो चनिया चोली ज्यादा पहनते हैं, लाइक घाघरा एंड द शॉर्ट स्कर्ट, द शॉर्ट टॉप एंड ऑल दैट स्टफ. दैट्स मोर उनका जो ये बांधनी और जो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो सब बहुत कलरफुल और बहुत डिटेल से होता है. तो उनका भी मतलब काफी कलरफुल होती है सारी चीजें. मैंने अपने कॉलेज में काफी फोक डांस वगैरह किया है तो मैंने गुजराती कपड़े पहने हैं, चोली, लहंगा, ये सारी चीजें मैंने पहने हैं. गरबा भी क्या है मैंने. क्या आप कोई भी मैसेज देना चाहोगे किसी भी गुजराती को जो अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं? मुझे आपका गरबा बहुत पसंद है, सो आई एंजॉय दैट. मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आई रियली लव जो वो उनकी कल्चर है, जो कपड़े बनाते हैं, बिकॉज वहाँ से हम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं अपने कपड़ों के लिए भी. सो या बस. तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? एकदम मजेदार थी ना? तो वेट किस चीज की कर रहे हो? जल्दी से जाओ और ठोक दो इस पे एक लाइक और हमें कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या लड़कियां सच कह रही थी, क्या सच में गुजरातियों के रग रग में बिजनेस दौड़ता है और क्या वो कंजूस भी होते हैं? जल्दी से जाओ और कमेंट करो. और दोस्तों आप हमें जैसे प्यार देते हो वैसे ही प्यार देते रहो, ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना. और आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे यार, जल्दी से जाओ और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. और दोस्तों जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और ये दोनों वीडियोस भी देखना मत भूलना. मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. आई विल सी यू. बाय.